वो घर वाले रो रहे होंगे, आज हमें जोड़ लिया। अलग दिल कर ये शादी के लिए तरस रहे होते लड़की वाले, बिल्कुल फिर रोते मैं नहीं जा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। यार बच्ची फलस्तीन जा रही है, जाने दो। वो दादी अम्मा तो छोड़ नहीं रही थी, दादी अम्मा तो क्यों नहीं दे रही थी? जब दादी अम्मा तो समझ लो दुनिया नहीं छोड़ रही, इसको क्या छोड़ेगी? बालक छोड़े आपको मसला नहीं है, कमरे का मसला है। हाँ, कमरे का मसला। हाँ, तशरीफ रखे, कमरे का मैं कुछ करता हूँ। अच्छा, तशरीफ रखे, अभी कमरे हमारे खाली नहीं है, इस बात पहली शिफ्ट चल रही है। आप बैठे, आप कैसी बात कर रहे हैं? शिफ्ट चल रही है भाई, ये होटल हनीमून है, यहाँ पे कमरे खाली नहीं होते। अगर आप कहें तो ये काउंटर के ऊपर तिरपाल डाल दूं। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, काउंटर पे तिरपाल डालते, मैंने कमरा पहले का बुक करवाया हुआ है। आप बात नहीं समझे, तिरपाल डाल देता हूँ आपको, बिल्कुल कमरे का एटमॉस्फेयर मिलेगा भाई साहब। मैं अच्छा, आप क्या बकवास कर रहे हो तुम? कमरा देते हो या कि नहीं? ये आपकी पहली, इनकी पहली शादी है? लग नहीं रहा इनकी पहली शादी, जिस तरह तेजी से इन्होंने घूंघट उतारा लगता है 3-4 दफा घूंघट उठा चुकी है। भाई साहब 1,55,886 रुपए खर्च हो गए हैं, आप मुझे डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा, जिस तरह आपकी पहली शादी है। हाँ जी, क्या तकलीफ है? आप रूम गए थे लग नहीं? नहीं, आप तशरीफ रखे, कैसे इतनी नाराजगी की? क्या नाराजगी की बात है? आपको बात करने की तमीज नहीं है? मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? इसका पजामा खींच दिया, क्या किया मैंने? ये शेरवानी, ये शेरवानी है दो दूल्हों की, एक पहन के आ गए, दो दूल्हा की, इसमें से दूसरा दूल्हा कहाँ है? इसका मतलब है दो बंदों का निकाह हुआ, ये फरार कर रहे हैं हमारे साथ। शेरवानी बता रही है दो बंदों की है, इसमें एक बंदा है, मुझे तो पहले ये बताओ दूसरा बंदा कहाँ है? सर, ओहो, तुम्हारा दिमाग चल गया, पागल हो गए तुम? खबरदार, मुझे हाथ मत लगाया, खबरदार। खुदा की कसम, मुझे तो आती मेरे चेहरे पर एक बार एक औरत ने ऐसे किया था, कोर्ट में ले गया उसको मैं। एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी, तुझे कानून के सामने ले गया हूँ, मेरा हाथ पकड़ के ले लो, ले लो, ठीक है भैया, ठीक है। पागल समझ रही है मुझे, 6 साल से होटल चला रहा हूँ। पागल नहीं तो और क्या, मेरे ख्याल में आपको होटल की बजाय पागल खाने जाना चाहिए। मैं गया था पागल खाने, फिर उन्होंने भेजे तुम होटल में रहो, क्योंकि मैंने एक पागल के कान पे काट लिया था। भाई करते हैं कमरे का, प्लीज भाई साहब आप जल्दी जल्दी हमारे कमरे का बंदोबस्त करें, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। आप जो भी हैं आप प्लीज बैठे, प्लीज तशरीफ रखें। हाँ जल्दी करें, आप बैठे, एक काम करें। हाँ जी, क्या? अभी जरा टाइम लगेगा कमरे में। हाँ जी, आप इतनी देर में यहाँ बैठ के भाभी का घूंघट तो उठाए ना। नहीं नहीं भाई साहब, काम लोड से हल्का करना भाई साहब, मैं ऐसा मिलाकर कुछ काम तो निपटाओ ना, एक तरफ रखो, वक्त को जाया मत करो, 3 बज गए। मैं लोगों के सामने 6 बजे में हमारी कुछ शर्तें हैं वो सुन ले। हाँ सुना है। कमरे में कुंडी नहीं है, पहली शर्त। भाई साहब आप भाई छोड़ दो इस बात को। अच्छा पहले मेरी शर्तें सुन लो। ठीक है सुना है। कमरे में कुंडी नहीं है, कुंडी नहीं है। दूसरी बात ये है कि पंखा नहीं चलता। पंखा नहीं चलता? हाँ, वो शावर लगा हुआ बाथरूम में। हाँ जी, उसमें पानी नहीं आता, टंकी ऊपर से खोली भी हमने, शावर खोले हुए, उसमें से हवा आएगी, उसको इस तरह मोड़ के दरवाजे से यूं निकाल लेना, हवा पंखे का काम देगा। भाई साहब समझ गए ना। एक दूसरी बात, कमरे में सियासी गुफ्तगू करना मना है। सियासी गुफ्तगू? हाँ, जोर जोर से हंसना भी नहीं, इस तरह की आवाज कोई ना बाहर आए। मेरे ख्याल में ये होटल नहीं, जानवरों का अस्तबल है, अस्तबल। इसीलिए आप लोग यहाँ आए। देखो आप बैठो। ठीक है भाई साहब, हमने पहले का कमरा बुक करवाया हुआ है। किस नाम से कराया बताए, चेक करें आप। इस्माइल बशीर लिखा होगा। वो तो लिखा होगा इस्माइल बशीर, क्या मतलब कौन है? सर आपको पता नहीं है, एसपी साहब ने खुद फोन पे बुक करवाया है। एसपी साहब? हाँ। तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मैं बता रहा हूँ। बता क्यों नहीं रहे हो? पागल बहन, आप बैठो। मैंने कहा था ना अपने, बैठो मेरी बहन। हाँ। बैठ मेरी बहन। सर इसे कमरा तो बुक है मगर, एक्सक्यूज मी, मगर क्या? रूम नहीं है, खाली रूम नहीं है। रूम खाली नहीं है? ओए वेटर, अभी करवाता हूँ, एडजस्टमेंट करता हूँ, एडजस्टमेंट। चाय वाले भाई, चाय। ए, ये सर ट्रेन में बेच रहे, ट्रेन कस्टमर बैठे उनके सामने जा रहे, क्या हो गया सर, क्या हो गया? खामोश जाओ, कमरा 113 नंबर के, 113 नंबर में जो बंदा है ना, उसको उठा के ले आओ, जाओ सोए को उठा के ले आओ, जाओ।
इनको एडजस्ट करना एसपी के आदमी है। मगर सर वो हमारा बहुत पुराना कस्टमर है। बस बस मैं जो कह रहा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, तुम हो आप ही है। बस जाओ जाओ, चलो मैं लेके आ रहा हूँ, फटाफट लेके आ रहा हूँ। कुछ पियेंगे आप? पियेंगे आप? हाँ जी कुछ पियेंगे। मेरा ख्याल है आप लोग जूस लेंगे। हाँ जी जूस। मेरा ख्याल है जूस को छोड़ दें, लस्सी पे तवज्जो दें। लस्सी बेहतरीन चीज है। हाँ हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात। लस्सी पी लेंगे तबियत अशाज बशाज हो जाएगी। वाह जी वाह, क्या बात। लस्सी से आ जाएगी आपको नींद। हाँ जी नींद का मसला हो जाएगा। आप ऐसा करें कॉफी ले लें। कॉफी कॉफी क्या होगी कि आपको नींद नहीं आएगी। हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन नींद नहीं आएगी तो तबियत बेचैनी हो जाएगी। हाँ ये तो, इसलिए आप ले लें सत्तू। सत्तू से क्या होगा कि आपके ठंड पै जाएगी, तो आप ठंड के लिए सत्तू ले लें। हाँ जी। और सत्तू भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, आप ग्रैप पाउडर पी। ग्रैप पाउडर भी अगर आपको नहीं शूट करता तो आप ऐसा करें कि ऐसा कर लें, आपके ग्रैप पाउडर भी अगर हाँ आप पेप्सी वगैरह ले लें। अगर आप, मैं कुछ मंगवाने वाला था तो बंदे आए किसी लाइक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कमरा? हाँ जी। चाबी दे दें, खुलवा दें। खुला हुआ है? हाँ। जाइए कमरा खुले आम। वाह जी वाह, सब बड़ी मेहरबानी। कमरा खुले आम। हाँ, बेगम आए? आए मेरी बेगम। भाभी आए, प्लीज भाभी आप चले पहले आके लेडीज पास। अच्छा भाभी कभी भी आपकी शादी हो ना यही आइए। ओके भाभी। अरे उसे तो लिटाओ। फेंको। अरे ये नाम मुझे कौन लाया भाई? कौन लाया मुझे यहाँ पर? खटिया इंसान। क्या हो गया भाई? नशा करने वाले दो कौड़ी के पुत्र है। क्या हो गया भाई? तुम नशा करके पूरी रात घूमते रहे होटल में और वो भी नंगे। जब मैं नंगा घूम रहा हूँ तो तुम मुझे एंजॉय क्यों कर रहे हो? एंजॉय नहीं कर रहे, अपने होटल की आबरू बचा रहे। किस तरह ये तुम्हें अभी कपड़े पहना के लाए मुझसे पूछो? किस तरह तुम लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हो? होटलों में हमें खून आ रहा है, लोग हमें दलील कर रहे हैं। 113 सोने नहीं दे रहा, 113 कपड़े नहीं पहन रहा, 113 तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कमरे से निकाला क्यों बाहर, ये बता दो मुझे। तुम नशा करके खुद निकले हो। मैं नशा करूं या कुछ भी करूं, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मुझे कमरा चाहिए। कमरे के अंदर तो तुम थे ही नहीं। कहा था तुमने? तुम यहाँ लॉबी में आ गए। वो तो उसको मैंने वेल्डिंग वाली ऐनक दी हुई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से वेल्डिंग वाली ऐनक पहन की है वो। ये हर काम मेरे साथ क्यों हो रहा है, हर फ्रॉड मेरे साथ हो रहा है? एक तो तुम्हारे वेटर की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या केस है बताओ? मेरे फ्रिज के अंदर बोतलें पड़ी हुई है, सेब पड़े हुए हैं, उसको निकालकर अपने अंडरवेयर और मोजे रख रहा। ठंडे मोजे पहनता है, बचपन से ज्यादा ठंडे मोजे। मेरे टेलीफोन की लाइन गलत मिला दी इसने। अच्छा टेलीफोन उठाता हूँ, कोई आदमी मुझे माफ की गालियां बकरा। भाई क्यों हो रहा मेरे साथ ऐसा? आप नशा करके घूमते रात को, इसलिए आप पूरी रात आप यहाँ बैठ रहे हैं। ऐसे कैसे बैठना है? मैंने इसको बोला, मैंने बोला वाटर बेड चाहिए, तो बोल रहा वाटर बेड नहीं है। मतलब फिर मुझे कैसे मिलेगा? तो मेरे बिस्तर पे 3-4 बाल्टियां पानी की डाल दी। तू भी तो सही हो जाएगा, तू भी सही हो जा। कमरे में इसके कमरे में सर के बल टांगे ऊपर है और वर्जिश कर रहा हूँ। तू तो वर्जिश करूंगा ना, वो तो टांग का खून सर पे ला रहा था। मैं टांग का खून सर पे आ रहा है ना, सर पे आ रहा है ना, टांग में आ रहा है, पेट में खून जमा हो रहा है। सर मुझे मेरा कमरा चाहिए, बता रहा हूँ मैं। अगर सोफा फट गया ना इन ढंग से फिर तुम्हारी खैर नहीं बता रहा हूँ। 113 तुम कुप्पी पीते हो? किसने कुप्पी पी है यार? मैं पिए। तुम चूहे मार गोलियां खाते हो? चूहे मार? हाँ तुम चूहे मार। हमने बाथरूम में चूहे के लिए गोलियां दी, चूहे मरे। चूहे मेरे कमरे में आए, उन्होंने कहा जी हम कैसे मरे, गोलियां तो वो खा गया। तुम्हारी इतनी कंप्लेन है। कंप्लेन है? मैं आप पर केस करूंगा, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, मुझे कमरा चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, आपका कमरा भी साफ हो रहा है। हाँ साफ है, तुमने कह किए जगह जगह पे कह बड़म बड़म। नशा करते बर्दाश्त नहीं ना, क्या करते हो? बार बार मार रहा है, इस तरह मारा ना करो। क्यों? तुमने मार मार के अपना पहला भेड़ोई भी इस तरह मार दिया। बार बार मार रहा मुझे। वो भेड़ोई मारे कुछ भी करे, वो अपनी डायरी के हिसाब से चल रहे। मैं तो आपके होटल में रहना नहीं चाहता बेगम, तुम चलो मेरे साथ। आ बाकी आप तुम्हारी ये बात, अभी तक तुम्हारा नशा नहीं उतरा उसको। बेटा रात को भी तुम गए बाहर
खाने के लिए हाँ? और रात को तुम कुत्ते के मुंह से बोटियां छीन रहे थे।